तड़प के देखो किसी की चाहत में, तो पता चलेगा कि इंतजार क्या होता है। तड़पना क्या होता है ये उससे पूछो जिसके पास वो सब कुछ है सिवाय उसको जिसे वो चाहता है। सच बात है, किसी चीज की कमी का एहसास वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास वो चीज नहीं होती है और वो बाकी सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपका मन भी द्रवित हो उठेगा। ये सिद्धा मूर्ति जी की किताब से ली हुई है कहानी है। उनके संस्मरण उनके जीवन के जो या सच्ची घटनाओं में भी शामिल होते हैं। एक बार की बात है जब उड़ीसा में वो लोग वहाँ पे जा रहे थे और शिक्षा के केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे थे। सुधा मूर्ति जी भी वहाँ गई क्योंकि वो समुद्र तटीय इलाका था, वहाँ बारिश बहुत होती थी। उनका ट्रांसलेटर भी उनके साथ में था। वो लोग एक स्कूल को देखने के लिए गए थे, इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे, तभी अचानक वहाँ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। जो ट्रांसलेटर था, चूंकि वो वहीं का था तो उसको ये मालूम था कि ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, काफ़ी जोरों की होगी। उसने कहा, मैडम हम आसपास कोई झोपड़ा देखते हैं और उसमें चले जाते हैं क्योंकि ये बारिश अभी रुकेगी नहीं, चलिए हम जल्दी चलते हैं। उन्होंने आसपास एक छोटा सा उन्हें झोपड़ा दिखा, उन्होंने खटखटाया और वो लोग उसके अंदर चले गए। वहाँ अंदर जाके बैठे, एक छोटा सा झोपड़ा था और उस झोपड़े को ही दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। एक तरफ बाकी सामान रखा हुआ था और दूसरे हिस्से में जो था वो किचन बना लिया था। पुरुष जो था वो आगे के हिस्से में था, महिला पीछे किचन की तरफ थी और वहाँ से किसी बच्चे के रोने की भी आवाज़ आ रही थी, वो उसको वहाँ पे खिला रही थी। जो वो व्यक्ति था, जैसे ही उसने हम लोगों को देखा, बड़े आदर के साथ अंदर ले गया और वो मुझसे बात करने लगा। मैं थोड़ी बहुत चूंकि संस्कृत समझती थी इसलिए उन्होंने उसकी बात को वो समझने लगी और थोड़ा थोड़ा सा उसका जवाब भी देने लगी। वो बार बार एक ही प्रयास कर रहा था कि मैडम आप हमारे झोपड़े में आई हैं, आपकी आवभगत करना ही हमारे संस्कार हैं, आप क्या लेंगी, आप क्या खाएंगी बता दीजिए। वो जिस चीज़ के लिए भी कहता वो बार बार मना कर देती कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। बोला मच्छी लाऊं आपके लिए, बोले नहीं पानी लाऊं नहीं, हर चीज़ के लिए उसके बार बार मना करने पर जो है अंत में उसने कहा अच्छा आप दूध पी लीजिए। वो बातों से ये समझ चुका था कि आप वेजिटेरियन हैं, दूध पी लीजिए। क्योंकि इनको संस्कृत आती थी इसलिए थोड़ी उसकी भाषा को समझ रही थी। उन्होंने एक बार कह दिया हाँ ठीक है। वो अंदर गया अपनी पत्नी के पास और उसने कहा कि वो मैडम आई हैं, उनके लिए दूध ले जाना। पर ये क्या, दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। जो कि बाहर मैडम समझ रही थी उनकी बातों को, पत्नी कह रही थी तुम कैसे ऐसे कह सकते हो कि मैं दूध पिला दूंगी, समझते हो वो बड़े लोग हैं, उनके लिए दूध बड़ी आसान चीज़ है लेकिन हम लोगों के लिए नहीं। उन्होंने हाँ कैसे बोल दिया, थोड़ा सा दूध है मैं अपने बच्चे के लिए रखे हूँ, मैं नहीं दे सकती। उनके बीच ये झगड़ा बढ़ता जा रहा था। सुधा मूर्ति जी को अंदर बड़ी अजीब परिस्थिति में थी, वो बड़ी पेसोपेश में कि ये क्या हो गया उनसे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। धीमे धीमे पति ने अपनी पत्नी को कन्विंस कर लिया और जो दूध था उसमें थोड़ा पानी मिला लिया। उसने कहा कि देखो अब दोनों का ही काम चल जाएगा, मैडम को भी थोड़ा दे देंगे और बच्चे के लिए। उसने उस दूध में पानी मिला के गर्म किया और दूध लेके बाहर पहुंचा। कहा मैडम आप ये दूध पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगी। इतने में उनका ट्रांसलेटर आ गया तो उन्होंने ट्रांसलेटर से बोला कि तुम इनको मना कर दो और उनसे कहो कि मैं दूध नहीं लूंगी क्योंकि मैं भूल गई, आज बुधवार का दिन है और मेरा तो व्रत है, आज के दिन मैं सिवाय जल के कुछ भी ग्रहण नहीं करती। ट्रांसलेटर को बड़ा अजीब लगा, मैडम आज सुबह तो अभी होटल से जो है ब्रेकफास्ट करके निकली हैं और कह रही आज मेरा फास्ट है, मैं कुछ भी नहीं लेती जल के सिवा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, उसने वो चीज़ उसको समझा दी और वो चुपचाप वहाँ से वो लोग चले गए। मैडम ने उस दिन के बाद से दूध पीना बंद कर दिया क्योंकि उनको वो एहसास हो चुका था कि एक छोटी सी चीज़ की कीमत क्या होती है, एक छोटी सी चीज़ के लिए भी तड़प क्या होती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।